यह है वाराणसी का वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त बनारस रेलवे स्टेशन। यह वाराणसी के मंडुआडीह क्षेत्र में स्थित है। 2021 से पहले इस स्टेशन का नाम मंडुआडीह रेलवे स्टेशन था। बाद में इसको 2021 के बाद बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी में ये अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह जो स्टेशन है पहला ऐसा स्टेशन है जिसको एयरपोर्ट की तरह सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करके इसको अति सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर आपको एक तालाब दिख रहा होगा। इस तालाब के अंदर फव्वारे लगे हुए हैं और काफी सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यह स्टेशन का बैक साइड है। द्वितीय गेट से जब आप प्रवेश करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसके अपोजिट साइड है फ्रंट गेट स्टेशन का। दूसरे गेट से जैसे आप प्रवेश करेंगे सामने की तरफ ही पार्किंग बनाया गया है और पार्किंग के पास ही एक बहुत ही रोचक चीज बनाया गया है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी की एक 3D इमेज बनाया गया है और ये इमेज लोहे के छोटे मोटे कबाड़ को इकट्ठा करके आपस में जोड़कर बनाया गया है। आप किसी स्थान से देखेंगे तो गांधी जी की आपको प्रतिमा नहीं दिखाई देगी, केवल एक खास स्थान पर जब आप खड़े होंगे तभी गांधी जी का चित्र आपको दिखाई देगा। हम ले चल रहे हैं, यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दर्शन हेतु यहाँ से देखें लिखा हुआ है। जब यहाँ से आप देखेंगे, ध्यान देंगे उस जगह पे, तो गांधी जी का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। मेक इन इंडिया के तहत ये यूजलेस चीजों से बना हुआ यह महात्मा गांधी का प्रतिबिंब काफी अच्छा बनाया गया है। दोस्तों अब हम आपको स्टेशन के एंट्रेंस की तरफ लेकर चल रहे हैं। इस स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। पहले यहाँ पर 3 प्लेटफार्म हुआ करते थे लेकिन अब प्लेटफार्म की संख्या बढ़ाकर 8 प्लेटफार्म कर दिया गया है। वाराणसी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है, जहाँ पर अत्यधिक भीड़ हो जाने के कारण इस स्टेशन को डेवलप किया गया और बहुत सी ट्रेनों को वाराणसी जंक्शन से बंद करके यहाँ से चलाया जाता है। दोस्तों एंट्रेंस के सामने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय ध्वज और एक इंजन का मॉडल लगा हुआ है। एंट्रेंस गेट पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लगेज को स्कैन करने की मशीन, मेटल डिटेक्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। दोस्तों अंदर से आप देखेंगे कितना सुंदर इसको बनाया गया है। इसकी दीवारों पर वाराणसी से जुड़ी हुई चित्रकारी की गई है। बाहर की तरफ ये इंजन का मॉडल आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।